इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी एक रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद कार्य खुद अपने पैसों से अपने फंड से करती है, क्योंकि एकता मंच को सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद के लिए उन लोग अपने फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा आज ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो बुजुर्ग हैं अकेले हैं, जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने में बिजी हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं, उस बारे में थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, जब हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ, तो हम लोग बच्चों के साथ लेकर बुज़ुर्गों के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए जैसे हम लोग पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट करते हैं, यूथ को एक साथ जोड़ने के लिए। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि लोगों को एकजुट लाना और अमन और शांति रखने के लिए मुंबई शहर में प्रयत्न करना, यही हमारा बेसिक मकसद है। चाहे वो मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट का हो या एकता मंच का हो, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूर हमें उनको भी, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने सोसाइटी का, तो उनके साथ मिलकर काम करें। तो हमने शुरुआत की थी उन्हें एक ऊंचाई फिल्म दिखा के, जहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स इकट्ठे हुए, और आज आपने देखा होगा कि उनके लिए एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा। अब ये वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की खास खासियत ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो खुद गाना गाएंगे, वो खुद डांस करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारा टैलेंट है। तो ये टैलेंट हंट की तरह से हमने ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग ACP डी नगर डिवीजन शशिकांत माने जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने सीनियर सिटीजन्स, उनकी सिक्योरिटी कैसी रखी जाए और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रोशनी डाली। तो सिर्फ ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही नहीं रहा है, बल्कि ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम भी हुआ है। सर, एक सवाल सीनियर सिटीजन से संबंधित मेरा एक और सवाल है, जो कि एकता मंच बहुत अच्छे काम करती है। मैंने देखा है कि गार्डन बनाया है एनिमल के लिए। सीनियर सिटीजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो उनके बच्चे छोड़ देते हैं, जब वो अकेले हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है। क्या इस तरह का कोई एकता मंच होममेड बनाएगी जिसमें सीनियर सिटीजन रहे? देखिए, एकता मंच इतनी बड़ी तो संस्था नहीं है कि जो ऑन गोइंग रिकरिंग एक्सपेंसेस को इनकर करे। जब आप ओल्ड एज होम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कानूनी मसले भी होते हैं, कानूनी परमिशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ओल्ड एज मेंटेन करने के लिए उसके लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। शायद आज हम जिंदा हैं, कल मेरे बाद, उसी उम्मीद के साथ, उसी लगन के साथ कोई वो ओल्ड एज चलाएगा, तो इसकी गारंटी मुझे नहीं है। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो मेरे जीते जी हम लोगों के लिए कर सकते हैं, हम सिर्फ वही करना चाहेंगे। सर, आपसे सवाल है, सर, आज एकता मंच के द्वारा आज सीनियर सिटीजन से लोगों से मुलाकात हुई, लोगों से बातचीत, कैसा लगा सर आज मुलाकात? ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पूरे सेशन में, सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पर जाकर उनके टच में रहें, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताएं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में मालूम करें, उसको सोल्यूशन करें। ये हम लोग ऑलवेज करते रहते हैं। ये एक अच्छा मौका था मेरे को एकता मंच के स्टेज के माध्यम से कि सबसे मैं गुफ्तगू कर पाऊँ या कुछ बात कर पाऊँ, और ये मौका मेरा मुझे अजय कोल सर ने दिया, तो वेरी मच थैंक यू। इस माध्यम से और भी सबके साथ में जुड़ के सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेके हम लोग उसके ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं। सर, डेटा की बात की जाए तो वास्तव से लेकर ढूंढने में आपको आसान तो दिक्कतें होती है, लेकिन एकदम बराबर। इसके लिए एकता मंच का हमको बहुत सारा बहुत उपयोग होने वाला है। पर्सनल ढूंढ के नहीं मिलने लगा, लेकिन इनके पास का डेटा हमको सिंगल सिटीजन्स और उनके पहचान के सिंगल सिटीजन जो अकेले रहते हैं उनके बारे में ढूंढना बहुत अभी आसान होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ ये मुझे मौका मिला है तो हमको काफ़ी हद तक इसमें आसानी हो जाएगी सब तक पहुँचने की और कुछ भी हाथ से टालने की उनके साथ में गुफ्तगु करने की। द ग्रेट पर्सनैलिटी, नो मोर वर्ड्स। बस मान लीजिए किसी इंसान के साथ या महिला या पुरुष कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि उनके बच्चे उनसे अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो परेशान है कि मुझे घर से निकाल दिया गया। ऐसे में अगर ऐसी कोई पेरेंट या ऐसा कोई बुजुर्ग इंसान अगर संपर्क करना चाहे तो उसे किस तरह से, किस हद तक आप लोग मदद कर सकते दोनों से ही जाँच?
देखिए एकता मंच की अपनी वेबसाइट है, हमारा लोगों के साथ ईमेल द्वारा व्हाट्सएप पे हम लोगों के साथ ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उनके साथ चर्चा होती रहती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 30 वर्षों से हम लोग मुंबई पुलिस के साथ काम करते हैं कम्युनल हारमोनी मेंटेन करने के लिए मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट द्वारा। तो एक जॉइंट वेंचर है मुंबई पुलिस और मोहल्ला कमेटी का, और एक ही मकसद है कि कैसा अमन शांति रखा जाए और कैसे पब्लिक पुलिस के नज़दीक आए ताकि एक रैपो तैयार हो। तो जब जब अगर ऐसी कठिनाइयों की घड़ी आएगी तो हम लोग यकीनन पुलिस की मदद लेंगे। निश्चितपणे आपण सगळ्यांनी जर मिळून काम केलं तर निश्चितचपणे आपण गुन्हेगारीवरती मात करू शकतो आणि आपलं आयुष्य फार चांगल्या प्रकारे सुसह्य बनवू शकतो। ऑब्वियसली साथ में कंधे पे कंधा मिलाकर ही काम करेंगे हम लोग, क्योंकि उनके पास इतनी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है और हम जब नहीं, मैं तो नया आया हूँ यहाँ पर 4 महीने पहले, तो बताइए सर आप नए हैं डिपार्टमेंट में, बहुत पुराने हैं मुंबई के, सब सर हम लोग सीनियर सिटीजन हैं नंबर एक खुद जी। और अब हम चाहते हैं कि वी शुड पे बैक टू द सोसाइटी, हम लोगों ने अपना पैसा बना लिया है, अब हम लोगों की दुआएं चाहिए। आज हम सीनियर सिटीजन के चेहरे पे हंसी देखते हैं, वो हमें हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज वही हम कमाना चाह रहे हैं, वही हम कमाते हैं, वही ब्लेसिंग्स हैं हम चाहते हैं सीनियर सिटीजन की जो हमको मिले हैं, और हम लोगों इन लोगों के काम करते रहें। और एकता मंच का मतलब यही है कि हर कोई भी मंच पे हम जाएं एक एकता बनी रहे, ये हमारा मकसद है। और एकता नहीं, आप ठीक नहीं, हमारा मकसद ही है कि एकता मंच भी हमको एकता बनानी है। जो अजय सर ने जिन्होंने 1994 में कौमी एकता के लिए तैयारी की थी, आज वो शायद वाटर डाउन हो गई है कि नहीं हुई है, मगर एक इंसानी तौर पे एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ एकता बनी रहे, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आदमी दूसरे की मदद कर सके, हम समाज के लिए कुछ कर सके, ये नहीं कि समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, हमको समाज के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इस मकसद से आज हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हम अजय सर के आभारी हैं कि जिन्होंने हमको मौका दिया है कि हम ये सब काम कर सकें। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, अजय कौल सर के मार्गदर्शन में एकता मंच जो काम कर रही है और दूरदर्शी काम कर रही है, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जी? सर एकता मंच को अजय सर के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है आप किस नजर से देखते हैं? एकता मंच के लिए अजय सर बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं जो करेंगे। सर आपने कितना एंजॉय किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन के बारे में जानना चाहता हूँ, आपने कितना एंजॉय किया सर? काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर आज नाचेंगे आप यहाँ? देखो सर खुशी का माहौल है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू जी सर। पहला प्रोग्राम है वो तो ठीक है, मैं भी और 3 सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पर भी उतने ढंग से काम होता है, लेकिन यहाँ एकता मंच का जो काम है ये लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो और लोगों को खुशी होती है कि ये हम आपस में मिल करके काम कर रहे हैं। सर आपको कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी मिली होती, तभी तो हम आगे हैं आपके साथ। आगे आपकी तरफ से एकता मंच को मिलकर मतलब किस तरीके से देखा जाएगा? एकता मंच को साथ में मिल करके काम किया जाए ऐसा देखा जाएगा। और सर सर मेरी बात है, सर आप एक सीनियर सिटीजन हो, 10 लोगों से मिलते हैं सीनियर सिटीजन से, क्या आप एकता मंच को जोड़ने की कोशिश करेंगे सर आगे? डेफिनेटली, अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन किसी चीज़ में कम नहीं है, फाइनेंशियली दे आर द मोस्ट एडवांस। मैं बताऊँ आपको, रिसेंटली एक टूर पर हम गए थे तो टूरिस्ट कहते हैं
सकते हो कि सीनियर सिटीजन हर एंगल में आगे है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, और किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एकता मंच और पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात। सर, सारे सीनियर सिटीजन के लिए ही सवाल है, यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम पिछले 42 वर्षों से प्रिंसिपल हैं और जिस दिन से मेरा स्कूल 1981 में शुरू हुआ उस वक्त से हम सेक्युलरिज्म क्या है ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 92-93 राइट्स के बाद मुझे मौका मिला, सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बड़ों को भी पढ़ाना है एकता का सीख। और इसी वजह से हम एकता मंच में कम्युनल हारमोनी प्रोग्राम्स की शुरुआत मैंने की, और ये प्रोग्राम्स करने का एक ही मकसद है कि जब प्रोग्राम्स होते हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग धर्मों के, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, और जब अगर ऐसी कठिनाई की घड़ी होती है तो एकजुट होकर उसका जवाब देते हैं। बेसिकली मुंबई एक बड़ी सिटी है, तो नॉर्मली ये जो बीच में दो तीन जो हादसे हुए थे उसके बारे में जितनी भी प्रिकॉशंस हमको लेनी है वो हिसाब से हम लोग उनको बुला के उनको पर्सनली भी हम लोग विजिट करते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसके बारे में बताते रहते हैं। इसलिए हम लोग का एक रेगुलर ये काम का एक ये है हिस्सा है। देखिए, अभी पिछले कई वर्षों से जैसे आपको मालूम है अलग अलग संस्थाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती हैं, जैसे डिग्निटी फाउंडेशन हुआ, अब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाकों में जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स खुद चलकर आके एंजॉय कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे उनके लिए जैसे कैरम हुआ, चेस हुआ, ऐसे कुछ इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, जहाँ जहाँ छोटी लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ वो आके लोगों से मिल सकते हैं कुछ घंटे और अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग के पास वक्त होता है और यंग जनरेशन के पास वक्त है नहीं, और हम लोग को एंटरटेनमेंट की भी बहुत ही ज़रूरत है, और एंटरटेनमेंट से हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पीस ऑफ माइंड भी रहता है। तो ये जो प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए भी हम मौका रख रहे हैं कि वो आके यहाँ गाना गाएं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें यहाँ आके। तो इतना ही कहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी एक नेमत है और ये आगे चल के और उनको फ़ायदे होने वाले हैं उनके। अजय कौल सर के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे, इतना अच्छा है? अजय कौल जो काम कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैं कहूँगा, जो इतने सारे काम कर रहे हैं वो भी टोटली फ्री ऑफ चार्ज, ये बहुत बड़ी बात होती है आजकल के ज़माने में, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पर अजय कौल जी जो काम कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ उनके इस काम के लिए। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा क्योंकि पुरुष जो वर्ग होता है वो तो कहने का एंजॉयमेंट होता है, दोस्त यार होते हैं, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये बहुत भारी पड़ता है। हमारे लिए ये बून है क्योंकि हम और कहाँ जाएं, हमारे लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे अब ऑफिस में हर जगह पे बिजी हो जाते हैं, हम जब अकेले बुजुर्ग लोग रहते हैं, जैसे मी एंड माय हस्बैंड, वी बोथ आर स्टेइंग अलोन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो हम बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। यहाँ सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं, अपने मेडिकल चेकअप वगैरह वगैरह, बहुत बहुत सारी बातें हैं जो हमको, कभी भजन संध्या, कभी क्या, हर तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें हम अलमोस्ट वीक में 3-4 डेज इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती है। वी आर वेरी वेरी मच हैप्पी विद दिस। आजकल तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम अजय कौल सर फ्री करते हैं,
ये फ्री होना ही बहुत बड़ी बात होती है, इस विषय पे आपका क्या विचार है? फ्री कर रहे हैं उनके रूप में तो गॉड ही है, ये सोच रहे सब, और सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं कि आजकल ऐसे माहौल है कि सब बच्चे अपने खुद पढ़ाई करके अलग ही हो रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अजय कौल एक गॉड के रूप में हम लोग के यहाँ आसपास है, नज़दीक है, सबको संभाल रहे हैं, और खुद भी वो तो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी और सीनियर सिटीजन को संभाल के लेके जा रहे हैं आगे, उनके लिए इतना कर रहे हैं ना, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सब।